गाइस वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। और मैं सुबह सुबह उठा तो जो प्लम्बर होता है वो मतलब वॉश बेसिन लगना है घर में, तो वही लगने के लिए आया और सारा सामान उसका जितना भी था लेकर आ रहे थे। तो मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है अज्जू, तो यही सारा सामान रखा हुआ है हाथ में, तो बस अब लेके जा रहे हैं, सारा सामान लगवाएंगे। अभी भैया बना रहे हैं ये वॉश बेसिन। अभी नाश्ते में तो बस यही है, चाय और एक टोस्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। मतलब अभी घर में क्या है ना कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो सब्जी वगैरह बनने के लिए हम लोग चले सब्जी लेने के लिए। इसी बहाने हम लोग घूम भी लेंगे थोड़ा। ये भाई, ये चाचू, और चाचू से पहले एक व्लॉग में मिल भी चुके होंगे, और अज्जू, अज्जू अर्श नाम है इसका। पूरा सब्जी मंडी इधर की तरफ। ये मजदूरी का काम करते हुए ये लो, ये लौंडा ये सब्जी वगैरह ले ली है। ये सारा सामान रख रहा है राशन का। गाइस मैं तो काम कर रहे थे पागल हो गया, मैं तब से बहुत ज़्यादा काम, मतलब आज ईद की तैयारी चल रही ना, कल ईद है, कल की ईद है, 21st ईद है, तो आज तो भाई करते 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 हालत ही ख़राब हो चुकी है। देख सकते हैं आप, फिर से पसीना आ रहा है इतना ज़्यादा। अभी जस्ट काम करके आया हूँ, अब थोड़ा वक्त मिला है, दिन का भी 1 बज रहा है, अब जाके मिला नाश्ता करने का टाइम। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि प्लान बन गया कि हम लोग चलें स्विमिंग पूल चलते हैं। सुबह से मैं उठा हूँ, सारा काम कर रहा था, उसके बाद से चाचा ने बोला कि चलो चलते हैं स्विमिंग पूल। यहाँ पर गांव में एक जगह स्विमिंग पूल है, तो वहाँ चलेंगे, मस्ती करेंगे, नहाएंगे। तो बस अब निकलते हैं स्विमिंग पूल के लिए, ढेर सारी मस्ती करेंगे। और अभी तो गाड़ी पार्क पे खड़ी थी, तो अभी पार्किंग से निकाल रहे हैं और फिर चलते हैं। और मैं दिखाता हूँ सामने, यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान बना हुआ है। अभी हम लोग इस वक्त कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, बिकॉज मेरा पूरा बचपन, मतलब जब भी यहाँ गांव आता था हम सब लड़के मिलकर कब्रिस्तान में खेलते थे, क्रिकेट वगैरह जो भी सामान मिल जाए हम लोग को ना खेलने के लिए, वही खेलते थे। अभी मेरे चाचू वगैरह खड़े हुए हैं, मेरे चाचू का भी बचपन कब, मतलब वो स्कूल से आते थे यहीं घुस जाते थे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा। और ये मतलब ये जो ग्रेवी कवर वगैरह बनी हुई है बहुत पुरानी बनी है, लगभग हो गया 50 से 60 साल पुरानी। तो जो ये पक्की उसकी बनी हुई है, और पीछे भी उधर की तरफ बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों का ये बचपन काफ़ी ज़्यादा बीता है। और एक बार तो मेरे हाथ में पूरा वो जो सर का जो आता है ना स्केलेटन ढांचा, पूरे सर का वो आ गया था क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चली गई थी कवर के अंदर, तो वो मैं निकालने गया, साला बॉल की जगह वो आ गया हाथ में। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है, मज़े किए हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वो लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, पीछे दिखा रहे हैं कि हम लोग यहाँ खेलते थे, यहाँ नहीं, और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हाँ पूरा अभी भी हम लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चलती है। मतलब जब भी हम लोग आते थे यहाँ पर आके बैठते थे, हवा चलती थी ठंडी एकदम। मैं दिखाता हूँ अभी कौन से स्पॉट पे थे जो हम लोग हमेशा जहाँ पर बैठा करते थे। वो जो सामने जो बनी हुई है ना पक्की, वो पेड़ के पास, नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के पास जो पक्की जगह बनी है वहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे। और अभी ये लोग, मेरा भाई अर्जू और वो देखिए चाचा जा रहे हैं, अभी मैं भी चलता हूँ, वहीं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर ही नीम का पेड़ लगा है और यहीं पर ही हम लोग बैठते थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चलती थी। और यहाँ से पूरा कब्रिस्तान देख सकते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई गांव की। एटलीस्ट मैं गांव में आ तो, मतलब जल्दी अभी पिछले टाइम आया ही था, बट कब्रिस्तान में उस वक्त नहीं आ पाया था, तो अब आ गया हूँ। सभी लोग बैठे हैं, सोचा स्विमिंग, मतलब अभी हम लोग जहाँ रुके हैं गाड़ी पार कर रहे हैं उसी के पास ही कब्र, जस्ट उसके बगल में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के सामने जस्ट मस्जिद है, ये मस्जिद बनी हुई है, ये कब्रिस्तान का गेट। ये था अखाड़ा और इधर की तरफ पूरा, मतलब ये खुदा हुआ था, और सब दादा पापा हम सब लोग लड़के सबका यहीं कुश्ती होती थी, पहलवानी यहीं होती थी। तो अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने बैठा अभी, काफ़ी ज़्यादा बातें करी, मस्ती की, हंसी मजाक। यहाँ पर नीचे अभी कौन सी जगह, हाँ ये अभी यहाँ से जस्ट नीचे आया। तो
यहाँ पे बहुत सारा क्रिकेट खेला गया है और बहुत सारे गेम्स खेले गए, कबड्डी तो स्पेशली यही होती थी। मतलब जो अखाड़ा आपको मैंने दिखाया वहाँ हम लोग कुश्ती सबकी, मतलब पापा की, दादा की, सबकी। और ये जो है ये यहाँ पे इसलिए हम लोग खेलते थे कुश्ती वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों का हम लोगों पे आशीर्वाद रहता था, हम लोग में वो आत्मा घुस जाती थी। तो अभी निकलते हैं, अभी आ गए हैं पापा, पीछे पापा और चाचू। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरी धस चुकी है कमर, पूरी धस गई ये वाली। अब बताओ हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको? कितने लोग? अच्छे। तो पानी इसमें भर रहा है, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये पानी इसमें भर रहा है अभी, मतलब ठीक है 5 फुट लगभग है पानी, पानी गिर रहा है। हम लोग सब खड़े हुए हैं इस तरफ और अपन इज डूइंग व्लॉगिंग। और ये रहा अपना, क्या थे गरम मसाले, नहाएगा तू है? और ये बेटा है भाई मेरा, ये किसका कॉल आ रहा है? ये इतनी शानदार रोड, वाह क्या बात है। प्लान हो गया अनसक्सेसफुल, नहीं जा पाए, लौट फिर के हम लोग घर पर, दिमाग खराब हो गया यार, स्विमिंग पूल बंद था। और अब देखते हैं, जो मैंने आपको प्लान बताया था ना वो ये प्लान नहीं था, वो प्लान अभी भी बाकी है, अभी वो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं। ठीक है, बाय द वे अभी तो मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, सो देखते हैं वहाँ जाएंगे कि नहीं। बट अभी स्विमिंग पूल वाला प्लान फ्लॉप कैंसिल हो गया है, तो अभी बस जा रहे हैं बकरा लेने के लिए बस। मतलब अभी तो मैं जा रहा हूँ खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद बकरा लेने के लिए जाएंगे। सो गाइस अभी जस्ट सोकर उठा हूँ मैं, अभी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है एंड इवन यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना कि मतलब, एंड इवन मेरा व्लॉग के लिए अपलोड होने के यहाँ पे स्पीड भी नहीं आ रही है। मैं इधर छत पे हूँ और अभी जस्ट यहीं खटिया पे लेटा हूँ, तो बस अभी तो देखते हैं कब तक लाइट आती है। खैर ना लाइट आने की वजह से घर में पानी भी नहीं आया है, सो नहाने सुबह से नहाया भी नहीं। अभी बारिश होने का कुछ आसार दिख रहा है, तो देखते हैं बारिश होता है कि नहीं। वो खड़ा हुआ है भाई और गन्ने का जूस, अब मैं भी पीने चलता हूँ, अभी उसी का कॉल आया था कि गन्ने का जूस पिएगा, तो जा रहा हूँ गन्ने का जूस पीने, थोड़ा गर्मी में ठंडक मिल जाए, राहत मिल जाए। भैया ये आपका स्वागत है, इतनी गर्मी में ठंडक पहुँचाने का काम करते हुए लौंडे। गन्ने का जूस पी लिया और अब चलते हैं पकड़ा लेने के लिए। और पापा वगैरह पीछे अभी आ रहे हैं। ये हैं अपने छोटे भाई, काफी हम लोग खेले हैं बचपन में, इतना खेले हैं कि इसकी कोई हद ही नहीं। जो कब्रिस्तान आप लोग को बताया उसमें बहुत खेले हैं हम लोग, ये क्रिकेट वगैरह हर चीज। अभी उसका घर ये पीछे ही है, तो बैठा हुआ था अभी, तो खेला था फ्री फायर। ये पतला वाला तार है, ये है जानवरों को रोकने के लिए, इसमें है करंट। ये पूरा खेत अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद गाँव आया हूँ और बाकायदा काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसको बता नहीं सकते। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, वो दूर ट्रेन की पटरी है वहाँ उस तरफ, वहाँ पे मतलब देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं, बट लेकिन बकरा तो इसी तरफ है। तो खैर जो मैंने अपने दोस्त से मिलाया था आपको छोटू से, उसी के यहाँ से बकरा ले रहे हैं। ये पेड़ पे लगे हैं चिड़िया के घोंसले और भोंसले। अरे भाई ये लो चढ़ते हुए चढ़ाई पे, ओ भाई
वाकई में जो बचपन बीता है यहाँ पर, मतलब हम लोग ट्रेन की पटरी पे आते थे, खूब बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाते थे, काफी मजे आते थे। और टाइम हो रहा है ट्रेन आने का, अभी तो खैर ट्रेन आने का शायद टाइम हो गया है, हरी बत्ती जल रही है। और ये बकरा गैंग, ये हमारा बकरा वो चाला काला वाला। पूरी रात अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे घर पे, बकरा ले लिया है, ये सभी बकरा लेकर आ रहे हैं, वो बकरा अपना। वो अभी आ गई लाइट, पानी भर गया है, पानी भी आ गया है, चलते हैं नहाने के लिए। एंड ये बैठी है साथ में दादी। तो यहीं करता हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो दादी बोलो लाइक, हाँ, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ, टू माय चैनल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एडियोस।